गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग लाइफ। आप सबका बहुत बहुत दिल से थैंक यू। आप सब ने जो हमारी फेस्टिवल वाली सीरीज थी उसको बहुत प्यार दिया, बहुत लाइक्स एंड कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच। आपको आई होप ये व्लॉग भी बहुत पसंद आएगा। ये व्लॉग कनेक्टेड है हमारे थर्ड लास्ट व्लॉग से, जो मेरा रेस्टोरेंट वाला व्लॉग था। जिन लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज जाके जरूर देखिएगा। थर्ड लास्ट व्लॉग से, जो मेरा रेस्टोरेंट वाला व्लॉग था, जिसमें मैंने बताया था कि मैं अपना रेस्टोरेंट क्लोज कर रहा हूँ। किस वजह से क्लोज कर रहा हूँ वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ किसी फॉरेन कंट्री में, और वो क्यों जा रहा हूँ, किस वजह से जा रहा हूँ, क्या करने के लिए जा रहा हूँ, वो सब आपको इस व्लॉग के एंड तक पता चल जाएगा। और कहाँ जा रहा हूँ ये भी एक सरप्राइज है जो आपको एंड में पता चलेगा। प्लीज बने रहिएगा इस व्लॉग में। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जाने से पहले कौन कौन सी जगह विजिट करी, कौन कौन से लोगों से मैं मिला, जिनसे मैं बहुत ही ज्यादा जगहों से और लोगों से, रिलेटिव अपने दोस्त बंधुओं से बहुत ही इमोशनली अटैच था, उन सबसे मैं मिल के गया जाने से पहले। बहुत ही प्यार मिला सबका, और आशा करता हूँ ये व्लॉग भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आप सबकी सपोर्ट की, प्यार की हमें बहुत जरूरत है। बने रहिएगा एंड तक इस व्लॉग में, और आप सबकी दुआओं के साथ इस व्लॉग को अब भैया हम स्टार्ट करते हैं। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जाने से पहले मैं कुछ यादें बटोरना चाहता था, तो सबसे पहले गया मैं अपने ननिहाल, मेरे नान के, मेरा गांव, जहां पे मेरे बचपन में सारी छुट्टियां हम वहां पे निकालते थे। उसके बाद कुछ वेटिंग्स अटेंड करी, हमारे मामा जी के घर पे फंक्शन था एक, जहां पे 25th उनकी वेडिंग एनिवर्सरी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की। एक दिन पहले घर पे फंक्शन था, और उसके बाद नेक्स्ट डे मामा जी ने अरेंज करी थी एक पार्टी बैंक्वेट हॉल में, जिसकी सेलिब्रेशन चल रही है। ये हमारे वो मामा मामी जी जिन्होंने ये फंक्शन अरेंज किया था, और जिनकी 25th सिल्वर जुबली वेडिंग एनिवर्सरी के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। ये मामा जी हमारे दिल के बहुत ही करीब हैं, बहुत ही अजीज हैं, दोस्तों से भी बढ़कर हमारी दोस्ती है। और इनके फंक्शन पे हमने बहुत एंजॉय किया, सारी रात नाचते गाते रहे, बहुत मस्ती करी। ये हमने सेलिब्रेट किया मेरे बेटे का बर्थडे। हमारे बहुत रिलेटिव्स, मेरे बेटे के स्कूल फ्रेंड्स एंड गली फ्रेंड्स सारे आए थे, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। ये पार्टी जो ऑर्गेनाइज करी थी बच्चों के लिए, बहुत ही सक्सेसफुल रही, बहुत एंजॉय किया बच्चों ने। ये डेकोरेशन करी थी घर पे शाम की, जो पार्टी थी बर्थडे सेलिब्रेशन उसके लिए। मुझे कोल्ड हो रहा है। हैप्पी बर्थडे बोलो। हाँ, थैंक यू। Happy birthday to me. ये शिवांश के सारे फ्रेंड्स जीपीएस के हैं, स्कूल फ्रेंड्स हैं। ये इधर इनके सारे स्ट्रीट फ्रेंड्स हैं। ये तन्मय भैया, इसके ये इनका बड़ा भैया। ये जयदीप है। मेहताब, यू वांट टू से एनीथिंग? हैप्पी बर्थडे, से हैप्पी बर्थडे शिवांश।
बच्चों को देख के हम भी बहुत खुश हुए, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती करी। मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी बहुत ही सक्सेसफुल रही, बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने खूब मस्ती करी। और लास्ट एम हमारा यही होता है कि बच्चे इंजॉय करें, अगर बच्चे खुश तो हम खुश। और बच्चों को जब उनके पेरेंट्स पिकअप करके ले गए, तो उसके बाद हमारे रिलेटिव्स थे तो उनके साथ हम गए बाहर रेस्टोरेंट में डिनर करने। तो ऑल टुगेदर इट वाज अ वेरी एंजॉयबल डे फॉर अस, थैंक्स टू ऑल माय रिलेटिव्स एंड द फ्रेंड्स ऑफ माय सन। फिर अटेंड करी एक वेडिंग जो कि बहुत ही क्लोज रिलेटिव की थी। फिर जैसे जैसे जाने का टाइम नज़दीक आ रहा था, तो हमारा पहला काम था, सारे फंक्शंस वेडिंग्स अटेंड करने के बाद हमारा पहला काम था, हमने जाना था माथा टेकने के लिए माता श्री नैना देव जी के मंदिर में, जो कि हमारे कुल देवी जी हैं। और वहाँ पे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और ये एक जर्नी ब्रेक था। जय माता दी, जय हो मां नैना देवी। यहाँ हम पहुँच गए माता श्री नैना देवी जी के मंदिर में। मेरे मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरा भाई और मैं, मेरा बेटा, हम सब यहाँ पे आए थे यहाँ पे ब्लेसिंग्स लेने के लिए माता की। उसके बाद हम गए बाबा जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए श्री गुरुद्वारा साहिब में। नए सफर की शुरुआत करने से एक रात पहले डिनर था हमारे घर पे, सब रिलेटिव, सब अजीज दोस्त भाई बंधु आए हुए थे। हाँ दोस्त, ये एक ऐसा शब्द है जो दो चीजों से बना है, दो सत्य, दो सच्चाइयां जब मिलती हैं तो दोस्त बन जाते हैं। ये मेरे कुछ खास दोस्त हैं जो दिल के बहुत करीब हैं। इन्होंने एक फेयरवेल डिनर मेरे लिए अरेंज करा था विद फैमिलीज, इनकी वाइफ्स, मेरी वाइफ, बच्चे सब इकट्ठे हुए हुए थे। हमने बहुत एंजॉय किया, थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे, बट वी एंजॉयड अ लॉट। हमारा एक और बहुत ही प्यारा दोस्त है बचपन का, जो मिस कर गया किसी रीजन की वजह से, वो नहीं आ पाया इस पार्टी में, उसकी पिक्चर मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, प्लीज हैव अ लुक। ये हमारे वो कुछ दोस्त हैं जिनके साथ हमने लाइफ के बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं। ये हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे सुख में, हमारे दुख में, यही होते हैं सच्चे दोस्त। ये जाते हुए भी अभी जो हमारा डिनर चल रहा है और बहुत ही इमोशनल बातें शुरू हो गई थी, पुरानी बातें हम याद करने लगे थे, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से कब वापस आऊँगा, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, वो भी मुझे नहीं पता है। तो पुरानी बातें जब आप दोस्त इकट्ठे बैठते हो बचपन के, तो पुरानी बातें अक्सर याद आ जाती हैं, तो उनको याद करके, कुछ टाइम को याद करके हम बहुत इमोशनल हो गए थे। अदरवाइज बहुत ही हैप्पी मोमेंट था, बहुत इंजॉय किया सब लोगों ने। ये मेरे दोस्तों की वाइफ है, ये मेरी वाइफ है, वी एंजॉयड अ लॉट। यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी, बट मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। बचपन से लेके अभी तक मेरे मम्मी पापा ने मेरे को एक बात सिखाई थी कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द रिलेशनशिप, जब आप उन रिलेशंस को मेंटेन करके रखते हो तो वो थोड़ा टफ होता है। कई बार आपको कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है किसी के साथ, कोई चीज़ आपको किसी की अच्छी नहीं लगती है, तो यू शुड बिहेव वेरी मेच्योरली
उस टाइम पे उस आर्ग्यूमेंट में या उस सिचुएशन में आप अपने आप को काम रखो, बिकॉज यू आर द वन हु नोज देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द रिलेशनशिप्स। लेकिन कई बार जो सामने होता है उसको इस चीज का एहसास नहीं होता और कई बार काम रहने से, चुप रहने से वो रिश्ता आपका बच जाता है और इज्जत आपकी बनी रहती है। तो इस वजह से मुझे लगता है आज मैं ये शेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जाने से पहले मैं अपना मुल्क, अपनी जगह छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के एक नई जगह, नए लोगों के बीच जा रहा हूँ। तो उससे पहले मेरे हर दोस्त, मेरे हर रिश्तेदार ने, हर रिलेटिव ने मुझे दिल से दुआएं दी, ब्लेसिंग्स दी और मुझे सी ऑफ करने के लिए कई रिलेटिव्स और कई फ्रेंड्स एयरपोर्ट तक आ गए अपना काम छोड़ के। तो ये देख के मेरा दिल भी भर आया और थोड़ा मैं इमोशनल भी हो गया, तो ये बात आपसे शेयर करना चाहता था। तो रिश्ते को जोड़ के रखना, उसमें पूरी उम्र निकल जाती है, आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, एक सेकंड लगता है। बट टू मेंटेन अ रिलेशनशिप इज अ वेरी टफ टास्क, बट वो सिखाया मेरे मम्मी पापा ने। मेरे दोस्त मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जिस दिन मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी उनसे फिर से मैं मिलने गया था एक बार जाने से पहले, और ये सारे मेरे रिलेटिव्स मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे मुझे सी ऑफ करने के लिए, जिस दिन मैंने अपनी जर्नी एयरपोर्ट के लिए स्टार्ट करी। फिर हमने रास्ते में जाते हुए डिनर करा, ये उसकी पिक्चर्स हैं, प्लीज़ हैव अ लुक। और ये सब मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरी वाइफ, बेटा, मेरे इन लॉज और मेरे बुआ बड़ी स्पेशली लखनऊ से आए थे मुझे सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पे। थैंक यू ऑल फॉर योर लवली ब्लेसिंग्स। मैंने अपना वेब चेक इन पहले ही करवा दिया था, तो इस वजह से चेक इन करने के लिए, सामान देने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बोर्डिंग पास हमें मिल गया, उसके बाद इमिग्रेशन क्लियरेंस भी हमने करवा दी है और अभी जा रहे हैं अपने जहां पे एयरप्लेन हमारा लगा हुआ है उसके गेट के पास, वहां पे जाके थोड़ा वेट करेंगे, एक डेढ़ घंटा लगेगा, उसके बाद हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। और कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और वहां पहुंच के आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देंगे, बट कहां जा रहे हैं ये है एक छोटा सा सरप्राइज। और एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे जाने के लिए सारे हमारे जो जिस एरिया में मैं रहता हूँ पंजाब से, कुछ लोगों की वो ड्रीम डेस्टिनेशन होती है। और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, उनकी दुआओं की वजह से, मेरे भाई, मेरे वाइफ, मेरे बेटे की दुआओं की वजह से मैं आज वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। उस इंटरनेशनल ट्रिप और इंटरनेशनल जर्नी के लिए मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ फाइनली। तो वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ, बट जहाँ भी मैं पहुँचूँगा वहाँ पे बहुत ऐसी लोकेशंस हैं, अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस हैं जहाँ पे बहुत कम लोग गए हुए हैं। तो आई प्रॉमिस यू ऑल कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा और उसको अपने वीडियो, अपने ब्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को भी दिखाऊँगा। तो नई सी नई मस्ती और एडवेंचर के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कि ब्लॉग में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, प्लीज़। तो ये हमारी बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, हम जा रहे हैं अपने प्लेन के अंदर अभी कुछ ही देर में, और ये फाइनली हमें अपनी सीट मिल गई है, सामान हमने सेट कर दिया है और मम्मी पापा के आशीर्वाद से, सबकी दुआओं से ऑफ टू द न्यू डेस्टिनेशन। थैंक यू ऑल फॉर योर ब्लेसिंग्स। आने वाले व्लॉग्स बहुत ही धमाकेदार होने वाली हैं, तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय 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 बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, बाय बाय।